फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है रामपुर से। विधानसभा उपचुनाव फतेह को लेकर बीजेपी का प्लान तैयार है। 12 नवंबर को महात्मा गांधी स्टेडियम में अल्पसंख्यकों का बड़ा सम्मेलन है। 10,000 से ज्यादा अल्पसंख्यकों को सम्मेलन में बुलाया गया है। मुस्लिमों को रिझाने के लिए यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा करा रहा है सम्मेलन। उपचुनाव से पहले आजम के गढ़ में बीजेपी भाजपा का बड़ा सम्मेलन है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, रामपुर से आ रही है। मुस्लिमों को रिझाने के लिए यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा करा रहा है सम्मेलन। तो एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी, और उपचुनाव से पहले आजम के गढ़ में बीजेपी एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। आपको बता दें विधानसभा उपचुनाव और उसको फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली है, तैयारी कर ली है। 12 नवंबर को महात्मा गांधी स्टेडियम में अल्पसंख्यकों का एक बड़ा सम्मेलन होगा। रामपुर से बड़ी खबर, 10,000 से ज्यादा अल्पसंख्यकों को सम्मेलन में बुलाया गया है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1,00,000 कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सैयद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आपके साथ कुंवर बासित अली हैं, जरा बात कीजिए। देखिए रामपुर का जो है शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक के प्रति संदेश को बासित अली हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे। बासित साहब, रामपुर का जो है यहाँ पर शुरुआत जो है 12 तारीख से किस तरीके की? उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लाभार्थियों के साथ एक बड़ा संवाद, जिसमें माननीय ब्रजेश पाठक जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, मुख्तार अब्बास मंत्री वो मुख्य वक्ता हैं, और देश के तमाम बड़े प्रदेश के तमाम बड़े नेता और मंत्रीगण यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। ये मैं मानता हूं कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कार्यक्रम होने जा रहा है और इसके अंदर एक मैसेज जाएगा समाज के लिए, जो बदराही है जो सपा बसपा कांग्रेस के द्वारा भाजपा को लगातार प्रायोजित तरीके से बदनाम किया गया, मुसलमान को भाजपा के निशाने से रोका गया, वो बंदिश कहीं ना कहीं खत्म हुई और एक नया आयाम नया रास्ता यहाँ से खुलने वाला। कौन कौन आने वाला है? ब्रजेश पाठक जी रहने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी, बलदेव सिंह ओलक, जमात सिद्दीकी जी, और मुख्य वक्ता के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। आयोग और बुक के जो पसमंदा समाज से चेयरमैन है उनको रहना है और संगठन के लोगों को रहना है। ये रामपुर की जो सीट है आजम खान की सीट मानी जाती है, आजम खान का गढ़ माना जाता है, क्या इस बार सेंध लगा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, और बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर हमारे सहयोगी। फिलहाल इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1,00,000 कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।